अगर आप लोगों ने मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस और डेथ ऑन द नाइल एंजॉय की थी तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि आपका फेवरेट डिटेक्टिव हरक्यूल पारो वापस आ चुका है। सो वेलकम टू विजुअल अनरैवलर, और अ हॉन्टिंग इन वेनिस का जो ट्रेलर आया है उसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो ये मूवी होने वाली है थर्ड इंस्टॉलमेंट मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस की फ्रेंचाइज में, जहाँ पे ये एगाथा क्रिस्टी की नॉवेल्स पे बेस्ड मर्डर मिस्ट्री वाली मूवीज़ हैं, और यहाँ पे मेन डिटेक्टिव होता है हरक्यूल पारो। ये जो मूवी है ये आपको थिएटर्स में देखने को मिलेगी 15 सितंबर 2023 को, और इस मूवी का जैसा नाम है ऐसे ही इसके काम है, क्योंकि जो हॉन्टिंग वर्ड आ गया है उससे क्यूरियोसिटी तो जाग ही गई थी, पर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने पहली बार ऐसी कोई मूवी देखी है जो मर्डर मिस्ट्री और हॉरर के जॉनरा को आपस में मिक्स कर रही है। मुझे पता है ये मूवी रियलिस्टिक होगी और शायद लास्ट में आते आते ये मिस्ट्री रिवील हो जाए कि भूत जैसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक ड्रामा था, एक फाउल प्ले था, पर कुछ भी हो देखने में मज़ा आएगी। और आप ट्रेलर में भी देखते हो तो जो लोकेशंस हैं, जो म्यूज़िक है और जितने भी हमें जंप स्केयर्स दिए गए हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। अगर मैं बोलूँ ये मूवी किस डिपार्टमेंट में थोड़ी हल्की पड़ती है तो वो है इसका कास्टिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि आप देखते ही आ रहे हो कि पिछली दो मूवीज़ में बड़े बड़े स्टार थे, मतलब जाने माने चेहरे थे। ऐसा नहीं है इसमें कोई भी जाना माना नहीं है, इसे हमारे पास एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस से मिशन यो है और 50 Shades of Grey के जेमी डॉर्नन भी हैं। पहली दो मूवीज से एक बात और यूनिक फील होती है इसमें, क्योंकि इस मूवी में हरक्यूल पारो ऐसे लगते हैं कि वो एकदम पागल हो जाएंगे इस घर में, क्योंकि वहाँ पे उनको ये शक होने लग जाता है कि क्या भूत रियल हैं या नहीं है। और ऊपर से ये वाला प्लॉट भी हमें बीच बीच में देखने को मिल रहा है कि कोई वहाँ पे है जो हरक्यूल पारो को मारना चाहता है। तो यही था, मुझे पता है डेथ ऑन द नाइल एक एवरेज फिल्म थी, तो मुझे होप्स हैं कि शायद ये थर्ड वाली मूवी बेटर निकल जाए। आप बताइए, अगर आपने हॉन्टिंग इन वेनिस का ट्रेलर देख लिया है तो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।